दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से एक नई सर्विस लॉन्च की गई है जिससे कि आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर जो कितने फर्जी सिम चल रहे हैं, मतलब कितने सिम आपके नाम पर लिए गए हैं और कौन कौन से आपके हैं, कौन से आपके नहीं हैं। तो आप जो है अपना खुद से ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे फ्रॉड जो आजकल बहुत हो रहा है। लोग हमारे मतलब डॉक्यूमेंट से जो है फर्जी सिम निकाल लेते हैं और कुछ गलत काम कर देते हैं, तो उससे क्या है फंसते कौन है हम, क्योंकि वो सिम जो हमारे डॉक्यूमेंट से ली जाती है तो उसके थ्रू हम फंसते हैं। तो किस तरीके से चेक करना है और कैसे इन सिमों को जो बंद कराना है उसका पूरा प्रोसेस आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। अगर आप लोगों को चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। चलो स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको मोबाइल या लैपटॉप में एक ब्राउजर ओपन कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको सर्च मारना है संचार साथी लिख के जो आपको सर्च कर लेना है। पहला ही लिंक आएगा, देख सकते हैं संचार साथी का, इसी के ऊपर जो आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको जो देखने को मिल जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जो आपको और भी सर्विसें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिटीजन सेंट्रिक सर्विस देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो हमें पता लगाना है किस तरीके से कि हमारे मोबाइल पे जो कौन से नंबर चल रहे हैं, कितने नंबर चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको देख सकते हैं नो योर मोबाइल कनेक्शन टैप को, इसी के ऊपर जो आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, तो आप यहाँ जैसे टैप को नीचे आएंगे थोड़ा, तो यहाँ पर जो आपको जो आपका मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड से जो नंबर लिया है वो नंबर आपको जो यहाँ पर टाइप कर देना है, और ये कैप्चर कोड जो रखा है यहाँ पर नीचे टाइप कर देना है आपको, और वैलिडेट कैप्चर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मोबाइल पर एक OTP आएगा, जो OTP आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, लॉगिन कर लेना है OTP डाल के। लॉगिन करने के बाद जो आपको देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो होगा, तो आपके आधार कार्ड से जितने भी नंबर होंगे वो सारे यहाँ पर देख सकते हैं, सभी नंबर जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी चेक करेंगे तो आपको भी इसी तरीके से ही शो होंगे। इसमें जो आप देख सकते हैं आपके शुरू के जो हैं 4 डिजिट जो हैं आप सामने देख रहे हैं, मतलब कि सही दिखाई देंगे, और लास्ट के भी बीच के जो नंबर होते हैं वो शो नहीं होंगे। आपके यहाँ पर कई नंबर शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं डिजिट शुरू के और लास्ट के आपको शो हो रहे हैं। तो आपको इसमें देख लेना है कि आपका जो कौन कौन से नंबर हैं, अगर जो आपके हैं अगर ये सारे के सारे तो आपको जैसे ही रहने देना है, अगर इनमें से आपका कोई नहीं है तो आप जो उसे यहाँ से ही बंद करा सकते हैं, यानी कि इसकी रिपोर्ट करके आपका जो मोबाइल नंबर इस पर चल रहा है आपके आधार कार्ड से मतलब डॉक्यूमेंट से, वो आप जो है यहीं से ही बंद करा सकते हैं। तो किस तरीके से कराना है, क्या कराना है, वही मैं वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें नंबर नहीं है तो आपको यहाँ से टिक मार्क लगाना है और लिखा नोट माई नंबर एंड नॉट रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड, अगर आपका नंबर नहीं है तो आपको कह देना है नोट माई नंबर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपको लिखा चलाएगा नोट माई नंबर पर क्लिक करना है, उस पर नीचे कर देना रिपोर्ट, रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करना होगा आपको। तो यहाँ से जो आप ओके कर देंगे, ओके के बाद आप यहाँ पर नंबर पूछा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर योर, तो आपके नाम से मतलब कि यहाँ से बंद हो जाएगा आपकी जो है ये नंबर पर आपकी रिपोर्ट हो जाएगी, तो आपकी इसकी यहाँ पर चेकिंग होगी। तो ID देखे से रिक्वेस्ट ID आपको यहाँ देखने मिल जाएगी, तो ये ID जो आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है, मतलब स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी कर लेनी है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने करा था नोट माई नंबर, तो नंबर के लास्ट के और शुरू के डिजिट दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी चेकिंग होगी। अब जो हमें इसको ट्रैक करना है कि आपकी रिपोर्ट जो कहाँ तक ऊपर नंबर देखा रिक्वेस्ट नंबर का, तो यहाँ पर आपको वही नंबर टाइप कर देना है जो आपको भी मिला था, तो ट्रैक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आप हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस आपको वहाँ पर शो होने लग जाएगा, तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर देख सकते हैं और रिक्वेस्ट टाइम देख सकते हैं, नोट माई नंबर, डेट वगैरह भी आप देख सकते हैं, डेट टाइम वगैरह सब कुछ आ रहा है, और स्टेटस जो हमारा पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि अभी जो है इसकी चेकिंग चल रही है, तो इसलिए जो है यहाँ पर पेंडिंग ये दिखा रहा है हमें। तो इसी तरीके से आपका भी अगर कोई नंबर आपके आधार कार्ड मतलब डॉक्यूमेंट पर चल रहा है और आपका नहीं है, तो आप जो उसकी इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, और आपका स्टेटस जो देख सकते हैं वो पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि हमने जो अभी इसकी रिपोर्ट करी है, तो इसी पर जो हमारा पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसी तरीके से ही आप लोग भी किसी अगर रिपोर्ट करेंगे तो इस तरीके से पेंडिंग दिखाएगा, तो आप लोगों को भी चेक कर लेना है। जिस तरीके से मेरे यहाँ पे 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, उसी तरीके आपके भी जितने मोबाइल पर नंबर चल रहे होंगे आपके आधार से, उतने नंबर आपके जो है यहाँ पे शो होंगे। तो आप जो इस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके नॉलेज भरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहती है।